तो भाई आ चुकी अपनी बिरयानी और जेरी भाई बोल रहे ये तो खा गया अपन घर से। तो गाइस देखो अपना ये पाया भी आ चुका है और उसके साथ ये वाली रोटी क्या। तो गाइस ये रही चार मीनार और भाई बहुत खूबसूरत है, मैं सुबह में भी आऊँगा। तो गाइस आ गई अपनी रैपिडो, रैपिडो बुक किया था मैंने और अभी इनको पिन देता हूँ फिर अपन आगे निकलते। अपने पट्टे भी आ गए, नमस्ते बोले पहुँच गए, वालेकुम अस्सलाम, क्या हरकत है। इतना सरफेस देखो जमीन का, इतना छोटा है और बहुत क्यूट है। मतलब मालूमत याद थी लेकिन फिर से ले रहा था तो मेरे को यह गिफ्ट मिल गया। देखो अभी गिफ्ट को साफ करना। भैया मिल गई ऑटो, अभी जा रहे हैं हम लोग चार मीनार को और मुजम्मिल भाई एंड में बैठेंगे। मैं एंड में बैठूंगा, मुजम्मिल भाई उधर बीच में बैठेंगे। बैठू चलेगा तो बैठते अभी भाई, एक मिनट रुक जाओ, बैठ रहा हूँ। ने मोटो व्लॉगिंग सुनी होंगी लेकिन अभी मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऑटो व्लॉगिंग। तो ऑटो के सामने कैमरा रख के अपन व्लॉग कर रहे हैं और अभी इन्होंने मेरे साथ एक स्कैम किए कि मेरा फ़ोन छुपा दिए। भाई धंधे की चीज़ के साथ मजाक नहीं करना, ज़रा बताओ इनको। और बेचारे वो मुजम्मिल भाई और मुनीब भाई पे शक कर रहा था लेकिन अपना गरीब गाय, अपना ये जेरी भाई, उनको मैं अच्छा समझ रहा था और मेरा मोबाइल पीछे छुपा के रख दिए थे। तो अभी चलो कोई नहीं, मस्ती मजाक चलती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इधर से चार मीनार और रात में हम लोग थोड़ी रास्ते समझने वाले हैं। देखता हूँ मैं आपको सीधा वहाँ जाके मिलता हूँ। तो गाइस अब भी खाना आ गया है, अभी शादाब की फेमस बिरयानी है तो यार ये दोनों गए बिरयानी खाने के लिए। अभी कब खा के निकले हैं पता नहीं हम लोग। हाँ हम लोग का हो गया खा के, जेरी भाई भी एकदम खुश है खाने के बाद, पेट भर गया माशाल्लाह बहुत। दिखाओ कैसा भरा है। बस इतना ही भरा है, आपका दिखा दो। मेरा भी भरा है देखो, ये देखो पब्लिक देखो भाई। रात के 11:30 बज रहे हैं लेकिन भाई पब्लिक देखो इधर, यहाँ तो साफ सफाई चल रही है लेकिन अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह फुल और हम लोग को भी आना पड़ा वाला। चलो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते, पेट में जगह नहीं फिर भी, और फिर जाते अपन चार मीनार में। तो गाइस मिल गए फाइनली हम लोग को जगह, ये ढूंढ के निकले भाई। कितना 11:30 बजे फिर भी इतनी पब्लिक है और इनको खाना है तो खा के ही जाएंगे। मुजम्मिल देखो कैसा छुप रहे, देखो नहीं मुजम्मिल सेंसिटिव कंटेंट हो जाएगा मेरे लिए, कॉपीराइट आ जाएगा बहुत गंदा वाला। तो भाई मुजम्मिल भाई मत आओ, अरे इंसान को खाना था इसलिए हम लोग को लेके आया और पेट में इतना हल्का खाना भरा है। तो गाइस आ चुकी है अपनी बिरयानी और जेरी भाई बोल रहे ये तो खा गया अपन घर से। तो गाइस देखो अपना ये पाया भी आ चुका है और उसके साथ ये वाली रोटी, क्या नाम है इसका रमेश भाई? बन सादी वाली रोटी है। क्या कसूर कसूर तो खाते हैं अभी जल्दी से खत्म करते हैं। होला चिकोस, कोमो एस्टा। तो दोस्तों कैसे आप लोग, पूरा खाने के बाद भाई मैं इंट्रो दे रहा हूँ और मेरा आंखों में नींद दिख रही होंगी आपको। भाई उधर से हम लोग ने खा के आए और वहाँ भी बिरयानी खाए थे और यहाँ भी एकदम फेमस थी तो यहाँ भी बिरयानी खाए हम लोग ने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद का सबसे फेमस प्लेस चार मीनार। तो इधर से चार मीनार हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे 1 किलोमीटर पे ही है। तो अभी हम लोग उधर जा रहे हैं और सब आगे चल रहे हैं, मैं पीछे चल रहा हूँ ये देखो। तो चलते हैं चार मीनार के पास, फिर मैं आपको दिखाता हूँ रात में चार मीनार कितना खूबसूरत दिखता है। तो गाइज ये चार मीनार की आसपास की स्ट्रीट है और ऐसे कुछ है और ये तो अपना एक रिलेटिव है नगर में, उनके घर के ऐसा दिख रहा है, ऐसा मुजम्मिल भाई बोल रहे थे। मैंने कब बोला है। तो ऐसा कुछ है चार मीनार के आसबाजू की स्ट्रीट और ये पूरा निज़ाम से बना है ना, क्या ब्रिटिश ने नहीं ना। और चार मीनार जाने के लिए और एक ये गेट है, ये गेट से आगे जाने के बाद चार मीनार आता है। और ये मैंने आपको नाइट का व्यू दिखा रहा हूँ, डे का भी वीडियो आएगा लेकिन पहले आप नाइट में देखोगे कितना खूबसूरत लगता है चार मीनार। और बाकी पूरा स्ट्रीट ऐसे ही बना है ये ओल्ड वाली स्ट्रक्चर में और यहाँ पे कुछ कवाली का प्रोग्राम चल रहा है लेकिन ये भी गेट आता है। ये गेट के आगे अपने को जाना है जो चार मीनार दिख रही है, इसके पीछे दो मीनार और छुपी है। तो यहाँ एक गेट बना है और इधर साइड पर भी सेम गेट बना है और उसके बाद एक गेट बना है उसके अंदर से फिर चार मीनार है। और आज बहुत रौनक है, मैं बोल रहा था कवाली लेकिन यहाँ सलाम चल रहा है, कवाली नहीं चल रही है, गलत बोल दिया मैंने। तो बहुत खूबसूरत और पब्लिक भी बहुत है इधर में। तो गाइज ये रही चार मीनार और भाई बहुत खूबसूरत है, मैं सुबह में भी आऊँगा और यहाँ प्रोग्राम चल रहा है इसलिए इतनी खूबसूरती और आवाज़ भी आ रही है बैकग्राउंड में। पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी ज़ोर से आ रही है लेकिन बहुत खूबसूरत है भाई दिखने में और दिन में भी और अच्छा लगेगा, और अच्छा डिटेल में और क्लियर दिखेगा। और गाइज जो आपको ये दिख रही है इतनी खूबसूरत मस्जिद, ये है मक्का मस्जिद और ये भी बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है, इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो गाइज बहुत खूबसूरत है इसका कंस्ट्रक्शन, जैसा मतलब मुगल कंस्ट्रक्शन होता है वही टाइम का है
और बहुत खूबसूरत है। इसको मक्का मस्जिद इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो अंदर के जो पत्थर वगैरह है जो वो मक्का से लाए हैं जहाँ तक मैंने सुना है। अभी वो अगर पता नहीं मैं फिर मैं मेंशन कर दूंगा नीचे, लेकिन भाई जो भी चीज़ बनी बहुत खूबसूरत है। कल इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ इधर आके नमाज़ पढूं क्योंकि कल फ्राइडे है। तो गाइस अरबाज भाई मेरे लिए एकदम पुराने ज़माने की तलवार लेके आए। ये देखो ऐसी तलवार है, लाइट नहीं जल रही। ये देखो जल्दी 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 जल्दी। तो गाइस ये नेक्स्ट डे है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, और नींद बहुत अच्छी आई यहाँ का, मतलब वेदर इतना मस्त है तो एकदम स्लो फैन भी लगाया था, एकदम मीठी नींद आई है क्योंकि कल तो रात भर हम लोग सोए नहीं थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। ये इन लोग इतना देर से उठते हैं, मैं 7 बजे से उठा हूँ, अभी 10 बज रहे हैं लेकिन एक भी नहीं उठा है। अभी एक एक करके सब खाने के लिए जा रहे हैं, तो अभी नाश्ता करने जा रहा हूँ मैं। इन लोग के लिए रुकता हूँ, 5 मिनट में नाश्ता करेंगे, फिर इसके बाद नहा के निकलेंगे मस्जिद में नमाज के लिए। मस्जिद में मक्का मस्जिद है और हैदराबाद अपना चार मीनार के पास, तो उधर ही जाने वाले। और नौशा भी, नौशा 3 दिन से यही कपड़े में हमारे। तो भाई ये देखो नाश्ते में इससे अच्छी चीज़ मिल जाए तो भाई बोल दो। पाए एकदम मस्त बकरे के पाए, और ये अपने खट्टे नान अभी दबा के खाएंगे। और ये देखो अभी से नहाए नहीं, सिर्फ कपड़े पहने चेंज किए इन्होंने, तो अभी अपने लोग जाने वाले नमाज। तो गाइज आ गए अपनी रैपिडो, रैपिडो बुक किया था मैंने, और अभी इनको पिन देता हूँ फिर अपन आगे निकलते हैं। नमाज के लिए सिर्फ आधा घंटा ही बचे अभी। गाइज मैं इन लोगों को रुका रहा था लेकिन 5-5 मिनट बोल के आधा घंटा हो गया था, ये लोग मेरे को छोड़ के चले गए, तो मैंने रैपिडो बुक कर लिया। और भाई जल्दी से पहुँचा देंगे मेरे को 10-15 मिनट में, और पहुँचने के बाद 1 बजे की जमा थी, पता नहीं क्यों यहाँ जल्दी जमाते हैं। अभी पहुँचना पड़ेगा जल्दी, नहीं तो जमा छूट जाएंगी, इतने दूर जाएंगे फिर मतलब नहीं रहेगा। बाकी का तो आपको मैं आगे ब्लॉग में बता दूँ, चार मीनार मक्का मस्जिद और 2-3 चीज़ें हैं उधर दिखाने के लिए, तो वो दिखाता हूँ। पहले अपन पहुँचते भाई, एकदम मस्त राइड कर रहे हैं एकदम सेफली। बस मेरे सर में हेलमेट नहीं है, तो हेलमेट की आदत है, मतलब पीछे हेलमेट नहीं पहन तो चलता है, लेकिन ठीक है पहुँचते जल्दी से। मैं आपको डायरेक्ट उधर मस्जिद में मिलता हूँ। लेट हो गए लेकिन पहुंच गए यार, अभी तक नमाज स्टार्ट नहीं हुई और अपने पट्टे भी आ गए, अपने पट्टे भी आ गए, नमाज से पहले पहुंच गए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हरकत है नौशे की, नौशे की। अभी मैं शूट करने के पहले थोड़ा स्क्रिप्टिंग कर रहा था, थोड़ी मतलब मालूमत याद थी लेकिन फिर से ले रहा था, तो मेरे को यह गिफ्ट मिल गया। देखो अभी गिफ्ट को साफ करना पड़ेगा मेरे को, लकी डे हो गया आज मेरा, और ये सब इनके वजह से हुआ है। मेरी वजह से नहीं हुआ है, कबूतर की वजह से हुआ है। हाँ।